ओंकारेश्वर में महाशिवरात्रि पर्व को हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। मंदिर में फूलों की सजावट की गई है। कोरोना के कारण भक्तों को मास्क पहनकर ही दर्शन करने दिए जा रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा आनंदमय लग रहा है और सभी की सुख शांति के लिए मैं ये कामना करती हूँ, इसलिए मैंने ये अभिषेक वगैरह करवाया। कोविड का ख्याल रखा जा रहा है यहाँ पर किस तरीके से प्रशासन? जी हाँ, कोविड का पूरा ख्याल रखा जा रहा है यहाँ पर। सभी लोग मास्क में हैं और सभी लोग मास्क लगा करके ही दर्शन कर रहे हैं। थैंक यू। कहाँ से आए? इंदौर से। ये आपने बिहार नर्मदा में डुबकी लगाई है बिहार, तो किस तरीके से व्यवस्था है? पानी ज़्यादा है? पानी मीडियम तौर पे बह रहा है, अच्छी व्यवस्था है। ये महाशिवरात्रि का पर्व बहुत बड़ा पर्व है। ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है 4th नंबर के। यहाँ पर महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रशासन ने जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से व्यवस्थित मास्क पहन के सैनिटाइजर वगैरह करा के गाइडलाइन के हिसाब से दर्शन कराया जा रहा है। ये पूरी व्यवस्था में प्रशासन और पुलिस और प्रशासन दोनों के सहयोग से आ रहा है। इसमें जो बाहर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको बाहर से प्रॉपर यातायात उनको अनाउंस करवाया जा रहा है ताकि उनके वाहन सही जगह पे लगे रहे। उसके बाद में जैसे ये जो जितने भी घाट है वहाँ पे जितने भी हमारी जो सरकारी नाव है उसमें व्यवस्था लगी हुई है। मास्क वितरित किए जा रहे हैं, कोविड के नियमों का पालन करवाया जा रहा है। जनता से अपील की जा रही है, श्रद्धालु से अपील की जा रही है कि आप कोरोना का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। ओंकारेश्वर में महाशिवरात्रि पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिर के आपको बड़े खूबसूरत फूलों से सजाया गया है, मगर यात्रियों की और कमी के कारण यहाँ पर व्यवस्था चाक चौबंद है। सभी को मास्क लगाकर ही यहाँ पर दर्शन कराया जा रहा है। अखाड़े निकले, अखाड़ों के दर्शन हुए, मगर अखाड़ों में भी वो उतना उत्साह देखने को मिला। वक्त एक ब्रेक का, हाजिर।